धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के थानेसर शहर में लायलपुर धर्मशाला में स्थित गुरु नानक किड्स केयर स्कूल में आज तीज का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रंग बिरंगी पोशाकों में सज धज कर आए नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। विद्यालय परिसर में मौजूद शिक्षिकाओं ने भी बच्चों की इन प्रस्तुतियों पर उनका उत्साहवर्धन करते हुए उनके साथ जमकर तीज का त्योहार मनाया। विद्यालय की शिक्षिकाओं ने बच्चों और उनके अभिभावकों को तीज पर्व की बधाई दी और तीज का त्योहार सबके जीवन में ढेरों खुशियां लाए ऐसी कामना भी की। विद्यालय की प्राचार्य ने कहा कि तीज हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि तीज मानसून के मौसम का स्वागत करती है और मुख्य रूप से लड़कियों और महिलाओं द्वारा गीत नृत्य प्रार्थना अनुष्ठानों के साथ मनाई जाती है। इसी कड़ी में आज स्कूल में विद्यार्थियों के लिए कई सांस्कृतिक गतिविधियां भी करवाई गई। सभी ने तीज का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। जी, हर साल की तरह हमने इस बार भी बड़ी ही धूमधाम से इस तीज का त्यौहार मनाया। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा त्यौहार है और हम इसे मिलकर धूमधाम से मनाते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हर साल मतलब हर तरीके से इससे अच्छे से मनाना चाहिए, हर स्कूल में हर मतलब फेस्टिवल बनाना ही चाहिए। तो मतलब इन त्योहारों से क्या लगता है कि बच्चों को पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा लगता है कि मतलब जब हम इनके नॉलेज देंगे तभी तो इन्हें ये नॉलेज आएगी, क्योंकि आजकल पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब जो भी है वो सिखा सके, तो स्कूल में ये सब होता रहे तो ये बेस्ट है। बस ये एक राष्ट्रीय त्यौहार है, इसे हमें अच्छी तरह से मनाना चाहिए और अपनी यादें हमें रखनी चाहिए कि हमें बच्चों को अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से मनाना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें छोटा सा, क्या देना चाहेंगे? बस हम यही चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय त्यौहार को बरकरार रखना चाहिए, इनको मतलब हमें यादें इनकी बनाई रखनी चाहिए ताकि बच्चे आगे। हाँ, आगे। खबरनामा हरियाणा के लिए शिव जोतवाल की रिपोर्ट।